दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी आदतों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कह देता या उसे एक साथ दे कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वह याद तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपने किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने की ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे करते कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ के पास में एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जिन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। ये कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों और यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए ये उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रही है। जैन मास्टर जैन लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह एक घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ के रखूं तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है, लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं वजन तो नहीं बढ़ा। तब वाला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? जैन मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? ग्लास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है, इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको आसान और पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उसे भी ज़्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी ग्लास की तरह एक तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम्हारे अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसके चिता तक ले जाती है। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।